बिना पुण्य किए पुण्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को नहीं चाहिए। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च न करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। छोटा बनकर रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी मंजिल, बड़ा होने पर माँ भी गोद से उतार देती है। झूठ बोलकर रिश्ते उलझाने से अच्छा है सच बोलकर समझा लिए जाए, क्योंकि सच्चाई देर सबेर सामने आ ही जाएगी। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। कभी किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो भी सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती रहता है। गुस्सा अकेला आता है मगर हमेशा सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा न समझे, वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाए। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं है बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पे मजबूर करती है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम में फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल पर ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा इंसान मुर्दा होकर भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है आप उससे कभी जीत नहीं सकते। आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय पर। मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है, लेकिन घर में माँ बाप वो भगवान है जिन्होंने हमें बनाया है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। कई बार चुप रहना बुजदिली नहीं बल्कि समझदारी और वक्त का तकाजा होता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। ताकत के संग नेक इरादे भी रखना, वरना ऐसा क्या था जो रावण हार गया। संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अपने रहस्य किसी को भी मत बताओ, ये आदत आपको खत्म कर देगी। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है उसे भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम भी आता है। समय जिसका साथ देता है वह बड़े बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, और चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मंदिरों में क्यों ढूंढते हो उसे, वो तो वहाँ भी है जहाँ तुम गुनाह और अपराध करते हो। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के सर में और इंसान के मन में कितना जहर भरा पड़ा है बता पाना मुश्किल है। धन का घमंड दो ही लोगों को होता है, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस वजह से पहचानते हैं यह बहुत मायने रखता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको